Good evening, this side. Good evening, good afternoon, a very good afternoon, good evening to everyone. And उम्मीद करती हूँ कि कल का सेशन आपको अच्छा लगा है और आज जितने कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़ते हैं देखते हैं कितना शेयर. सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं ना उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ. और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपको जब तक ये 30 डेज़ का क्रैश कोर्स है 30 डेज़ तक आपकी तैयारी चलती रहेगी. प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू जो है हम करेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेशंस मस्ट हैं. अगर डिटेल में करवाया तो टाइम इतना नहीं है कि हम आपको डिटेल्स में करवा सकें. अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक डिटेल में, देखिए आपने 10th तक की साइंस पढ़ी है, 9th 10th 11th 12th की साइंस को डील किया जा रहा है. अगर आप NCERT बुक्स अभी भी पकड़ लें तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं. और एडवांस चाहिए है चाहे वो टैट और TGT का कैंडिडेट है वो साइंस का सेशन जो कि ट्यूसडे को होता है वो भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकता है. फॉरेस्ट गार्ड की अलग प्लेलिस्ट बनी है तो आप उसमें भी सेशंस को चेक कर सकते हैं. देखिए तो मैंने आपको कल भी बोला था 4 बजे से 4:30 की क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वो है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास. फिर 4:30 से 5 बजे तक रीजनिंग की क्लास है जिसमें पुराने पेपर्स की रीजनिंग डील की गई है, उनको प्रैक्टिस कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं. कई बार पेपर से ही क्वेश्चन उठा दिए जाते हैं अगर हम ये प्रैक्टिस सेशंस करेंगे, क्या पता क्वेश्चन आ जाए. आई एम नॉट 100% श्योर पर आ सकता है क्योंकि अभी जो रिसेंटली पेपर्स हुए हैं उन्होंने डील किया है. फिर हम जितने भी सेशंस रीजनिंग के हैं उसमें जितने भी प्रैक्टिस जहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके आगे मैं लेकर आने की कोशिश पूरी करूँगी चाहे मेरे पास टाइम बचे ना बचे. दूसरी चीज़, आपका 5 से 6 इंग्लिश का डिटेल्ड वर्शन चल रहा है तो आप उसको भी डेली देखिए. प्रैक्टिस सेशंस इंग्लिश का थर्सडे को चल रहा है और उसके बाद जो हिस्ट्री का देखना चाहते हैं, पॉलिटी का देखना चाहते हैं, उनके भी सेशंस टॉपिक वाइज चल रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हो. 5 बजे की क्लास है वो आप 5 बजे की क्लास भी देख सकते हो. 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 जो है आपकी जो सेशंस चलते थे एज़ यूजुअल वही चल रहे हैं. 6 से 7 आपकी इंग्लिश की क्लास है, 7 से 8 हिमाचल जीके का स्पेशल सेशन है. ये जो HP GK का स्पेशल सेशन है इट्स नॉट फॉर द इट्स अ बेसिकली अ प्रैक्टिस सेशंस फॉर ऑल द प्रीवियस पेपर्स. जितने भी प्रीवियस पेपर्स जो आज तक के पेपर्स हुए हैं उन सब में जितना भी हिमाचल GK पूछा जाता है वो क्वेश्चंस है. और चाहे पेपर से हैं चाहे कितनी भी बुक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आगे लेकर आए हैं. और 8 बजे का सेशन वो है HP GK का फॉर डिटेल्ड वर्शन, उसमें हम एक एक टॉपिक कर रहे हैं तो आप वो सेशंस को भी देख सकते हो जिसको बेसिक करना है, जिसको HSB क्लियर करना है. तो आप सारे सेशंस में जुड़ सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं. देखिए एक बार सेशंस को, आपको अच्छा लगता है तब भी बताइए, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को रिकमेंड कीजिए, आपकी मर्ज़ी है. बट कोशिश करना कि एक बार सारी चैनल्स की प्लेलिस्ट को देखिए और शेयर कीजिए और जितने भी लोग हैं उनको बताइए कि सेशंस की तैयारी चल रही है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ. फिर भी 19-21 अगर रह जाता है तो मैं माफ़ी चाहूँगी. तो चलिए शुरू करते हैं और अगर सेशंस अच्छे हैं तो देखते हैं चैट बॉक्स पे आप कितने लोगों को यहाँ पे शेयर करते हो. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका सेशन का है. फर्स्ट क्वेश्चन है ओजोन लेयर इज फाउंड इन, ओजोन लेयर कहाँ पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल, लिथोस्फीयर, शोभ मंडल या हेमिस्फीयर. गोलार्ध, पहली चीज़ गोलार्ध क्या होता है, ये आपकी अर्थ है. डायग्राम पे मैं हल्का सा डायग्राम बना रही हूँ भाई. ये है आपका इक्वेटर, ये पार्ट और ये पार्ट. एक अर्थ का दूसरा पार्ट, एक पार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर. तो हेमिस्फीयर्स के अर्थ के दो टुकड़े दैट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सा आता है, ऑप्टिक पोल. और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 21 जून. और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर. जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून इज़ द शॉर्टेस्ट डे और आपका 22 दिसंबर इज़ द लॉन्गेस्ट डे. ये है इक्वेटर जिसमें इक्विनॉक्स लगते हैं, एक लगता है 21 मार्च को और एक लगता है आप सॉरी 23 मार्च को और एक 21 सितंबर को लगता है आपका इक्विनॉक्स. ऑटम अभी आने वाला है वो, ठीक है. तो स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर होती है लैंड, जहाँ पे सॉइल, जहाँ पे हम रहते हैं.
ट्रॉपोस्फेयर, ट्रॉपोस्फेयर एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हम रहते हैं, फ्लाइज का चलना, एरोप्लेन्स का चलना, जेट फ्लाइंग, हेमिस्फेयर नहीं है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, दैट इज़ 24 किलोमीटर, 16 से 30 किलोमीटर्स तक फैली हुई है। ये हमें किससे बचाती है? यूवी रेज से बचाती है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है ये हमें यूवी रेज से बचाती है। एंड सबसे पहली चीज़ ये कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोन। आपको पता है कि ओजोन की अभी जो है ओजोन डिप्लीट हो रहा है, और डिप्लीट होने के लिए एक प्रोटोकॉल चला है मॉन्ट्रियल, जो कि 1987 में आया था। ओजोन जो है ये CFCs की वजह से जो है हमारी डिप्लीट हो रही है। तो ओजोन लेयर जो है सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में, ठीक है। डिप्लीशन, ओजोन होल कहाँ देखा गया था? तो आंसर इज समताप मंडल, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है और स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मैल्कोफिली मीन्स, मैल्कोफिली का अर्थ क्या है? हवा द्वारा पॉलिनेशन होना, आपका वाटर के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा और आपका स्नेल्स के द्वारा। देखिए पहली चीज़ पॉलिनेशन क्या होती है, ये आपका फ्लावर है, ठीक है, ये आपके एंथर्स हैं मान के चलिए, ठीक है। मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, फ्लावर इस तरह से। तो ये आपका स्टिग्मा होता है, ठीक है, ये मेल पार्ट होता है। अगर आपके पोलन ग्रेन्स, यानी ट्रांसफ़र ऑफ पोलन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन बाय सम एजेंट्स, एजेंट्स के थ्रू। देखो पॉलिनेशन जो होगी कोई एजेंट्स, जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, विंड्स हैं, ये लेकर जाइए। अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू होती है इसको बोलते हैं हम एनीमोफिली, इसको क्या बोलते हैं हम? एनीमोफिली। वाटर के थ्रू होती है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, राइट। इंसेक्ट्स के थ्रू होती है एंटोमोफिली, और भी बता देती हूँ, बर्ड्स के थ्रू होती है देन ऑरिंथोफिली, और अगर आपकी बैट चमगादड़ की तरह होती है तो कायरोपटेली, कायरोफिली भी बोल सकते हो, कायरोपटेली भी बोल सकते हो, ठीक है, चीरो भी बोल सकते हो, पर कायरो। आंसर इज पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। मैल्कोफिली जो होती है, जो स्नेल्स, ठीक है, घोंगे होते हैं ना स्नेल्स, जो पर्टिकुलरली प्लांट्स के अंदर चिपकी रहती हैं, उनकी वजह से भी आपकी पॉलिनेशन हो सकती है। तो पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। नेक्स्ट, NPK denotes, NPK क्या होती है? NPK एक फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? ऐसे जो कि इनऑर्गेनिक उससे मिलते हैं, इनऑर्गेनिक मटीरियल से, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से, ठीक है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो कि फैक्ट्रीज में बनती है, राइट। तो ये जो है आपका NPK, नाइट्रोजन प्रोटीन काइनेटिन नहीं, नाइट्रोजन प्रोटीन पोटाशियम नहीं, नाइट्रोजन पोटाशियम कैनेटिन नहीं। ये N का मतलब है नाइट्रोजन, यस। P का मतलब है फॉस्फोरस और पोटाशियम, दिस इज़ द फर्टिलाइज़र। आपको ये पता है मैन्योर्स जो होती हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक, और फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? ये होती हैं इनऑर्गेनिक, जिनको फैक्ट्रीज में बनाया जा सकता है, जैसे आपका यूरिया, सुपरफॉस्फेट, और मैन्योर्स में आप जैसे काउडंग ले सकते हैं। आजकल वर्मी कंपोस्टिंग भी चल रही है, कंपोस्ट भी चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज। देखिए ये जो प्रोसेसेस है ना, ये आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशंस में हेल्प करती है, ठीक है। नाइट्रोजन की होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। कहाँ पे होती है? रूट नोड्यूल्स में। जो आपकी प्लांट्स होते हैं ना, खासकर लेग्यूम्स प्लांट्स, दालें होती है ना, दालें, उनमें होते हैं ये। जैसे ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, तो इनकी जो ये गांठें होती हैं, इनके अंदर जिनमें गांठें होती हैं ना, उनको बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, और उनमें होते हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये नहीं है। निट्रिफिकेशन, निट्रिफिकेशन होता है नाइट्राइट्स बनाना, ठीक है, इसको बनाते हैं नाइट्रोसोमोनास, इसमें बैक्टीरिया काम करता है नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बनाना इज कॉल्ड एज
आपका क्या होता है, ये बनाते हैं नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। और नाइट्रेट से आपका नाइट्रोजन बनाना इज कॉल्ड एज डीनिट्रिफिकेशन, और इसको करता है कौन सा बैक्टीरिया, सूडोमोनास, ठीक है। ये बैक्टीरिया पूछे जाते हैं, हम आगे भी करेंगे, इन्वायरमेंट में भी करेंगे। तो न्यूट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन क्या होगी, अमोनिया का बनना, ठीक है, हेबर्स प्रोसेस के थ्रू। अमोनिया से नाइट्राइट्स बनाना इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, नाइट्राइट्स से नाइट्रोजन बनाना इज कॉल्ड डीनिट्रिफिकेशन। तो डीनिट्रिफिकेशन क्या होगा, वापस नाइट्रोजन बनाना, ये चीज़ क्लियर है। और इसको कौन बनाता है आपका, और नाइट्रोजन से फिर से अमोनिया बनाना इज कॉल्ड आपका अमोनिफिकेशन। तो ये है आपका डीनिट्रिफिकेशन, जिसको कौन बैक्टीरिया हेल्प करता है, सूडोमोनास। टॉप सॉइल ऑफ द, देखिए आपको पता है कि सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं, सॉइल की, ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल की 1, 2, 3, 4 यहाँ पे पौधे लगते हैं, ठीक है। एक होती है इसके ऊपर, एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं ओ होराइजन, ठीक है। फिर आती है ए लेयर, ए लेयर इज मेड अप ऑफ ह्यूमस, ठीक है। फिर आपकी बी लेयर, सी और डी। तो जो आपकी बी लेयर है इसको हम बोलते हैं सब सॉइल, सी लेयर बेड रॉक, और उसके बाद पेरेंट रॉक। सॉइल बनती कैसे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना, चाहे वो टेम्परेचर से टूटे, चाहे फिजिकल, चाहे केमिकली। तो जो टॉप सॉइल होती है दैट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्यों, क्योंकि जितना भी डेड एंड डिकेइंग मटेरियल है ये ऊपर पड़ा रहेगा, जब ऊपर पड़ा रहेगा तो ये ब्लैक होगी, और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, सॉइल पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे। बाकी नीचे आप जैसे जैसे सॉइल का कलर चेंज होता रहता है तो वो क्या करती है, ह्यूमस लेकर चलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड सॉइल पार्टिकल्स। टॉप सॉइल जो है उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स भी होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और ह्यूमस भी होगी। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल में कौन सा स्टेप जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस, यस, कार्बन साइकिल में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस, जब फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी और ऑक्सीजन निकलेगी, ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस होती है। रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन जब कंज्यूम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। रेस्पिरेशन कौन करता है, ह्यूमन बींग्स करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यस, फॉसिल फ्यूल्स के बर्ने से जलने से CO2 निकलती है। तो ये तो तीनों स्टेप्स हैं, लेकिन ट्रांसपीरेशन इज नॉट अ स्टेप। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड आपका फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से पानी का इवेपोरेट होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। आप कार्बन साइकिल देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फिर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड गई, फॉसिल फ्यूल से भी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, पर ट्रांसपीरेशन तो बेसिकली प्लांट्स में हो रही है जो कि पानी का लॉस है। तो आंसर इज आपका ट्रांसपीरेशन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, रेस्पिरेशन नहीं है और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज़ अ डेड सेल्स, टिश्यूज़ क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, सेल के ग्रुप्स को बोलते हैं टिश्यूज, टिश्यूज के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो जो टिश्यूज डेड होते हैं प्लांट्स के अंदर उनको क्या कहते हैं, पेरेंट काइमा, दिस इज द पेरेंट सेल्स, इट इज ग्रीन इन कलर, ठीक है, और इनमें स्पेसेस होते हैं, राइट। एपिथीलियल टिश्यू दैट इज इन एनिमल टिश्यू, ये किस में होता है, एनिमल्स में होता है, जो कि सरफेस पे होता है। जो भी आपका एपिथीलियल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू, जैसे हमारी ये एपिथीलियल टिश्यू है जो कि आउटर मोस्ट है, ठीक है, तो ये नहीं है, ये तो एनिमल टिश्यू हो गया। कॉलेनकाइमा, दिस इज द मेजर सेल्स, ठीक है, मेजर टिश्यूज है, पेरेंकाइमा के बाद कॉलेनकाइमा आते हैं,
और ये जो है आपका इसके अंदर ये थिक वॉल्ड होते हैं और इनमें स्पेसेस नहीं होते, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, तो ये नहीं है। आंसर इज पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, जैसे आपने बार्क देखी है प्लांट्स की, जो जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनके अंदर जो बार्क होती है उनमें होते हैं डेड सेल्स, इनको हम बोलते हैं आपके स्क्लेरल्स। ठीक है, तो सबसे प्लांट्स के डेड सेल्स किस में होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। ये 9th का सिलेबस है आपका। ठीक है, वाटर स्टोर्ड इन डैम्स पोजेस, वाटर जो कि स्टोर्ड होता है डैम में वो क्या होता है? आपको पता है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी यानी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है आपका। तो देखिए नो एनर्जी क्या होती है? काम करने की क्षमता, तो नो एनर्जी तो होगा नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी आएगी जब मैकेनिकल एनर्जी, जब पानी गिरेगा। आपने देखा होगा वाटर डैम्स में, रिजर्वेयर्स में स्टोर्ड होता है, यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, यहाँ से पानी गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे टर्बाइंस लगी हुई हैं, मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, प्लीज़। यहाँ पे जब पानी गिरेगा टर्बाइंस में गिरेगा, ये रोटेट होगा और यहाँ पे जो है लाइट्स जलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि वाटर जब स्टोर्ड करता है रिजर्वर में तो स्टोर्ड कर रहा है हाइट पे है। जब हाइट की बात की जाती है देन इट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। जब वाटर गिर रहा है दैट इज़ मूव कर रहा है, मूवमेंट शो हो रही है, देन इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जब टर्बाइंस में घूम रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज़ योर मूवमेंट, पार्टिकल्स का मूव करना। तो मूव तो कर नहीं रहा, स्टोर्ड है, तो ये नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी जो कि हाइट पे गिरती है इसको बोलते हैं एम जी एच। तो ये क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब जाकर आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। तो हमारे यहाँ पे कई हैं, हिमाचल में कई बांध बन रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक, अगर चमेरा प्रोजेक्ट है, पार्वती प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे जो हैं। ठीक है, व्हेन वी, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड वी इंक्रीज इट्स। अब आपका जैसे कमज़ोर साउंड है ना आपकी, पतली श्रिल साउंड, ठीक है, श्रिल साउंड को आपने तेज ध्वनि में बदलना है, तो कैसे होगा? देखिए ये आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये वेव्स हैं। साउंड्स जो हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं? जब वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस किस में होती हैं? वेव्स में होती हैं। तो अगर देखा जाए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड में आप कितनी साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हर्ट्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तो नहीं है। वेलोसिटी, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी जल्दी आप इन सेकंड्स आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये नहीं है। अब एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द, दिस हाइट, जो हाइट है दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड, और द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स, ये क्रस्ट है, हाइट्स जो हैं दैट इज़ क्रस्ट, और ये क्या है ट्रफ्स, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का वो होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट्स, एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ द हाइट ऑफ द क्रस्ट। तो ये क्या आएगा आपका? फीबल से लाउड, ऊंचा करना है देन इट इज़ लाउड, और दैट इज़ योर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कि एक मिनट में आप कितनी, और जो साउंड की श्रिलनेस है वो डिपेंड करती है पिच पे। हमारे कान कितनी ध्वनि सुन सकते हैं? 20 to 20,000 हर्ट्ज़। 20 इज इंफ्रासोनिक और 20,000 से ऊपर जो होती है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। ये आ गया इन सोनार्स। ठीक है, इन सोनार वी यूज साउंड नेविगेशन सिस्टम है ये। ठीक है, तो आपका इसमें क्या आएगा कि आपका जो है सोनार हम क्या यूज करते हैं? ऑडिबल साउंड वेव्स। ऑडिबल क्या होगा? जो 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकें, हमारे कान इतने ही सुनते हैं। इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज, अल्ट्रासोनिक लेस मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, मोर देन, तो आपके जो अल्ट्रासाउंड्स बैट्स
जितनी भी चमगादड़ें हैं, ये बैट्स जो हैं इनकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, इंफ्रासोनिक्स, जिनको हम ये भी हमें नहीं सुनाई देती हैं, जो कि इनको जो सोनार्स हैं दैट इज़ रेडियो सिस्टम्स, तो इनमें जो आएंगी ये आएंगी रेडियो वेव्स, ये आएंगी आपकी रेडियो वेव्स। आई एम सो सॉरी, ये जो है इसकी हिंदी गलत हो गई है, ठीक है। टू चैम्बर्ड हार्ट और कजिन, दो चैम्बर्ड, आपको पता है जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। तो हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इनमें कौन सी होती हैं, फिश, फिशेस, ठीक है। फिश, वैसे फिश एक पर फिशेस इसलिए लिखते हैं क्योंकि वेराइटीज़ है, फिश। देन उसके बाद आते हैं रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एवियस एंड मैमल्स, ठीक है। फिश में टू चैम्बर्ड होता है, रिप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड होता है, एम्फीबियंस में भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, और आपके एवियस में फोर चैम्बर्ड और इसमें भी फोर चैम्बर्ड, ठीक है। तो एवियस में तो फोर चैम्बर्ड हुआ, यानी टू चैम्बर्ड मतलब ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, ठीक है। एम्फीबियंस में थ्री चैम्बर्ड होता है, जिसमें दो ऑरिकल्स वन वेंट्रिकल, बर्ड्स में टू ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, फिश में होते हैं टू चैम्बर जिसमें वन ऑरिकल वन, तो आंसर इज फिश। और एक क्रोकोडाइल एक ऐसा एम्फीबियन है, एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल एक ऐसा है एम्फीबियन जो आपका जिसके अंदर कितना है, फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड, सिर्फ एक क्रोकोडाइल एम्फीबियन है जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है। एम्फीबियंस होते क्या है, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके, ठीक है। तो फोर चैम्बर हार्ट किसने में है, क्रोकोडाइल में भी फोर चैम्बर हार्ट है, एक्सेप्शन है एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस में थर्ड है, और मैमल्स और बर्ड्स में भी फोर चैम्बर्ड है, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, साइंटिफिक नॉमनक्लेचर यानी बाइनोमियल नॉमनक्लेचर, जो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर है आपका, बाइनोमियल नॉमनक्लेचर जिसमें जीनस और स्पीसीस, ठीक है। एक जीनस होता है जैसे आपका सोलेनम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, राइट। सोलेनम इज आलू, ये है क्या, आलू, बट सोलेनम एक जीनस है, आलू जो हम खाते हैं उसकी एक वेराइटी, स्पीसीस इज द वेराइटी, जीनस इज द ग्रुप। तो उसके हिसाब से जो ये बाइनोमियल नॉमनक्लेचर था कि जीनस भी होगा स्पीसीज भी होगी, तो वो किसने दिया था, रॉबर्ट विटकर, इसने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, फाइव किंगडम्स, आर एच विटकर ने, जिसमें आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इसने पांच भागों में जो है साइंस क्लासिफिकेशन की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल दिया था, अर्नेस्ट हेकल ने बहुत चीज़ें दी हैं, इकोलॉजी टर्म इसने कॉइन की, रिकैप्चुलेशन थ्योरी इसने दी, ठीक है। ऑन्कोजेनी फाइलो, ऑन्कोजेनी रिवील्स फाइलोजेनी इसने थ्योरी दी, तो अर्नेस्ट हेकल ने प्रोटिस्टा भी डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अर्नेस्ट हेकल नहीं है, रॉबर्ट हुक नहीं है, आंसर इज कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस ने जो है आपका बायनोमिकल नॉमनक्लेचर दिया था। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको सेशन, मुझे ऐसा लग रहा है आपको मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर आपको सेशन अच्छा नहीं लग रहा, या ऐसा लग रहा है मैम बोल क्या रही है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स यानी बीज कौन उत्पन्न करता है, ठीक है। तो बीज जो है आपका कौन उत्पन्न करता है, ये सारे कैंडिडेट्स चाहे टेंथ के हैं चाहे नाइन्थ के हैं, कोई भी कंपटीशन का देख सकता है। तो थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स होते हैं थैलस लाइक बॉडी, थैला होता है ना जैसे बैग वैसे, जिसमें नो रूट्स, नो लीव्स, नो स्टेम, जिसमें हम रूट स्टेम और लीव्स में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, दिस इज़ द लोअर कैटेगरी ऑफ प्लांट्स, लोअर कैटेगरी। और इसमें सबसे ज़्यादा थैलोफाइट्स किसको बोलते हैं, एल्गी को, आपने काई देखी है जो पानी के आसपास जमी रहती है। ब्रायोफाइट्स, इसको बोलते हैं मॉसेस, और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम,
एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हैं आपके कहाँ पे रहते हैं, प्लांट और वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, ये नहीं है। टेरिडोफाइट्स, इसमें आपको थोड़े से लीव्स मिलेंगे बट, और रूट्स जो हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगी, राइजॉइड्स की फॉर्म में। जो टेरिडोफाइट्स हैं दैट इज़ द एडवांस वर्जन, इसको क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों में तो वैस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते, पर इनमें वैस्कुलर बंडल्स यानी जो आपके जाइलम जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वो जैसे फॉर्म्ड होता है या प्रेजेंट होता है बट नॉट वेरी डेवलप्ड, ठीक है। तो इसमें भी सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है, सीडलेस है। जिम्नोस्पर्म्स में सीड्स जो हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन सीड्स क्या होते हैं, नेकेड। ओव्यूल्स जो होते हैं नेकेड, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट में मिलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जैसे कॉनिफर्स, चीड़ के पेड़ देखे हैं आपने हिमाचल में बहुत ज़्यादा है, दियोदार, ठीक है, ये सारे थूजा ऑरोकेरिया। तो जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दिस इज द दैट प्रोड्यूस सीड्स बट दे आर नेक्ड, और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस सीड्स बट दे आर कवर्ड। ये होते हैं, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, NFP, और ये क्या हैं आपके, फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। तो ये चीज़ याद रखना, एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावर जैसे हमारे जो फ्रूट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, दैट शुड बी कवर्ड। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं दे आर एंजियोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स जो आपके आसपास चीड़ के पेड़ लगे हैं वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, और कोल्ड रीजन्स में ही लगते हैं ये। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम वॉज गिवन बाय, पहला मॉडल ऑफ एटम किसने दिया था? अगर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट नील बोहर, इसने एनर्जी शेल्स दिए थे। एनर्जी शेल्स मतलब जो ये ऑर्बिटल्स होते हैं ना इस तरह से, KLMN, और जिसने आपका स्टेबिलिटी और एनर्जी शेल्स दिए थे, तो ये नहीं है। ई गोल्डस्टीन ने आपकी कैनल रेस, कैनल रेस कौन सी होती है, एनोड रेस। एनोड रेस को इन्होंने बाद में नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन्स, ठीक है। डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन्स की किसने की थी, जो न्यूट्रल चार्ज है, दैट इज चेडविक, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो है फर्स्ट मॉडल, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, न्यूक्लियस की, देयर विल बी अ पोजीशन या देयर विल बी सर्टन स्पेस इन द एटम, और किस तरह से दी थी, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने कौन सा एलिमेंट यूज़ किया था, गोल्ड फॉइल यूज़ की थी, ठीक है। तो रदरफोर्ड नहीं है, आंसर इज जे जे थॉमसन। पहला मॉडल ऑफ एटम जे जे थॉमसन ने दिया। इसी ने आपके इलेक्ट्रॉन्स दैट कैरीज नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज जो हैं इसने दी थी, और जे जे थॉमसन ने ही थॉमसन पुडिंग एलिमेंट दिया था, ये कि यहाँ पे जो पम्पकिन है ना, जो वाटरमेलन टाइप, ठीक है, कि जो ये चार्ज है दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली, और जो पुडिंग पड़ी है दैट इज़ योर पॉजिटिवली। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन, तो आई होप कि क्लियर है भाई, मैंने तो अपनी तरफ से दिया है, आपको अब कैसा लग रहा है ये आप बताएंगे। ड्यूरिंग द समर वाटर कैप्ड इन अर्दन पोर्ट्स बिकम कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, आपने देखा है जो मटके होते हैं ना, गर्मियों में लोग मटके रखते हैं, और मटके में जो होती है वो किसकी, अर्दन पोर्ट्स जो होते हैं वो क्ले के बने होते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पोर्स से जो है हवा आती रहती है, तो उससे जो है पानी इवेपोरेट भी होता है, तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग, जैसे कि आपका हाई से लोअर कंसंट्रेशन में जाना, जैसे आप पानी के अंदर नील की बूंदें डाल दो तो आपने देखा होगा पानी एकदम से मिक्स हो जाता है। अगरबत्ती, अगरबत्ती को एक कॉर्नर पर जलाओ तो पूरे एरिया में जो है पार्टिकल्स उसके मिक्स हो जाते हैं, तो वो नहीं है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन जो होता है दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, ये तो लीव्स में होता है तो ये तो नहीं है। ऑस्मोसिस नहीं है। इट्स ऑल्सो अ ट्रांसफ़र ऑफ ग्रेडियंट्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू थ्रू सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मैम्ब्रेन, मैम्ब्रेन चाहिए होती है। आंसर इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बेसिस पे जो है आपका अर्दन पोर्ट ठंडा रहता है, और इसको हम बोलते हैं क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे
लड़कियां, हम लोग जो है रिमूवर्स, नेल्स को रिमूव करने के लिए जो एसीटोन यूज़ करते हैं, एकदम से पाम से उड़ जाती है, पेट्रोल उड़ जाता है, डेजर्ट कूलर्स, आपका स्वेट कॉटन क्लोथ्स का पहनना, ये ऑल दैट स्टफ़ डिपेंड्स अपॉन द इवेपोरेशन. और ये किस पे डिपेंड करता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. द ओनली सेल ऑर्गेनली सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. देखिए प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपकी कौन सी ऑर्गेनली देखी जाती है? कोशिका में कौन सी ऑर्गेनली? माइटोकॉन्ड्रिया. देखिए प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है प्री, फॉल्स, ठीक है. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. तो जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, झूठा मूठा, जैसे ये सेल है ना, इसके अंदर ऐसे मटेरियल पड़ा रहेगा पर न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोट. जैसे आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक एंड इट्स ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद बनाते हैं. तो माइटोकॉन्ड्रिया इट्स द एनर्जी सेल, एनर्जी करेंसी जो है इसकी ATP है और पावर हाउस ऑफ द सेल. प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स जो हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बनता है, क्रोमोप्लास्ट बनता है जो डिफरेंट कलर्स देते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कि ऑयल सिक्रीट करता है, ठीक है. ये प्लास्टिड से ही क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट्स, हरे पिगमेंट्स देते हैं, क्रोमोप्लास्ट आपने देखा होगा प्लांट्स में डिफरेंट कलर्स होते हैं जैसे रेड कई बार, येलो, जेंथोफिल्स वगैरह, ल्यूकोप्लास्ट जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, तो ये नहीं है. लाइसोसोम्स, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग्स. सेल के सुसाइडल बैग्स कौन से हैं? आपके लाइसोसोम्स, इसको डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं, ठीक है. आंसर इज राइबोसोम्स. प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ ओनली वन राइबोसोम इज देयर, जो कि क्या करता है? राइबोसोम किसकी हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस की, प्रोटीन्स बनाने में. और प्रोटीन्स की स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? अमाइनो एसिड्स, ठीक है. सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वॉज स्टेटेड बाय कि प्री एग्जिस्ट जितने भी सेल्स हैं, ये थ्योरी किसने दी थी कि सेल्स जो हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं? इसको ना साइंस में एक और लैंग्वेज में बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है. तो ये किसने दी थी? हैकल ने. हैकल मैंने आपको बता दिया रिकैप्चुलेशन थ्योरी, ठीक है, तो ये नहीं है. हुक ने सेल दिया था, ठीक है. शेल्डन एक बॉटनिस्ट था जिसने ये कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्लांट स्ट्रक्चर से अराइज हुए हैं, ठीक है. जितने भी सेल्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस क्या है? प्लांट स्ट्रक्चर से. और एक सेशवैन था जो कि क्या था? जूलॉजिस्ट था, ठीक है, जिसने कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो एनिमल से एग्जिस्ट करते हैं. तो ये तो इन दोनों की थ्योरी का जो अपडेटेड वर्शन था वो किसने चलाया? रुडोल्फ वर्चू ने, जिसने कहा कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्ट, जो नए सेल्स हैं वो पहले वाले सेल्स से बनते हैं. तो ये किसने कहा था? वर्चू ने कहा था, ठीक है. तो ये थे मेरे आज के 20 क्वेश्चंस, 20 से ज़्यादा ही हैं क्योंकि हर एक ऑप्शन के साथ चार, तो आप मान के चलिए 20, 24 या 80, और कल हमने किए 160 क्वेश्चंस, 160 से भी डबल किए. अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं और ये लग रहा है कि देखिए मैंने आपको बोला है कि आपको ये लग रहा है मैम लाइव पढ़ाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लाइव आप पे डिपेंड करता है. मैंने आपको दिए हैं 15 दिन, अपने आप को भी 15 दिन दिए हैं कि कोशिश करूंगी कि 15 दिन में जो है कितना अपने आप को मैं लाइव लाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ कि 15 दिन में आप कितना शेयर करते हो, कितना मेरे चैनल को प्रमोट करते हो और कितना आपको ये सेशंस अच्छे हैं. मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो जहाँ जितना मौका मिल सकता है शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए वीडियोज को. और I just want you to share, recommend this channel, like the videos, share the videos. Facebook page पे पूजा गुप्ता, on YouTube it's पूजा गुप्ता, Telegram it's पूजा गुप्ता, let's learn with me. तो please like, share और subscribe करना मत भूलना. अगर मेरी मेहनत आपको दिख रही है और आपको लग रहा है कि फ़ायदा होगा, मैंने आपको बोला है 30 days का क्रैश कोर्स है, तो 30 days के क्रैश कोर्स में 1000 से 5000 questions भी अगर हम करेंगे ना, तो उनमें से कोई तो क्वेश्चंस आएंगे. ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, आएंगे. जितना 3 से लेकर 9 बजे तक के जितने भी सेशंस हैं उन सारे सेशंस को देखिए. जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो चाहे फॉरेस्ट गार्ड के हैं, चाहे टैट के हैं, चाहे कुछ भी है, हर एक सेशन को देखिए, आपको मज़ा आएगा. बाकी आप पे छोड़ा है, आपकी जजमेंट मेरी सर आंखों पे, आपके एप्रिसिएशन मेरी सर आंखों पे. अगर आपको अच्छा लग रहा होगा
तो मुझे इतना पता है कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे सपोर्ट करेंगे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करेंगे। अगर आपको हर चीज़ पे फ़ायदा हो रहा है, पेपर में पता चलेगा ये फ़ायदा, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ गाइस शेयर द वीडियो जितने भी हैं प्रीमियर सेशंस पे, जितना हो सकता है शेयर और वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपका वीडियो शेयरिंग, आपका शेयरिंग ही मुझे जो है, मुझे ये है कि पुलिस के जो लास्ट में कोर्सेज चलें उसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके साथ इंटरेक्ट करके जो मज़ा, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि मैं लाइव आऊँ, तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा सपोर्ट मांग रही हूँ कि जितने कैंडिडेट्स आपके आसपास फॉरेस्ट पुलिस टैट TGT HS जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सेशंस को पहुँचाइए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। देखते हैं आप मेरी रिक्वेस्ट कितना सुनते हो और मेहनत को देख कर ही करिए अगर आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। अगर मज़ा नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं, राइट। आज जितने जुड़े हैं देखते हैं कल कितने जुड़ते हैं, तो यही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ जितना हो सके चैनल के साथ जुड़िए।